तेरे मुंह पे कभी नहीं आनी चाहिए, समझला? रहस्य जब तक मन में है रहस्य है, मुंह पे आते ही बात बन जाता है, बड़ी बात आग की तरह फैलती है। ये आग फैल गई तो बहुत कुछ चल जाएगा बाजी। चिंता ना का करो बाबा, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। मैं भी आया। आई आई बहुत पीड़ा हो रही है। आई काशी, आई काशी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे नहीं रोती। आई आई इतने सारे लड्डू खाओगी तो पीड़ा तो होगी ना। हाँ, मैं औषध आनते। इसके बाद यहाँ से शीघ्र लौटना होगा। अजिंक्य तारा में और रहना संकट को न्योता देना है। अब मैं आई को ये बात कैसे बताऊँ कि पेट में पीड़ा लड्डू के कारण नहीं हो रही है, बल्कि पेट में इतना बड़ा रहस्य रखने के कारण हो रही है। अब मुझसे और नहीं रखा जाता, अभी मुझे अपने सखियों को बताना ही पड़ेगा। आई ऐसे कोई अपरिचित व्यक्ति को काटता है भला? क्यों, काटने के लिए भी जान पहचान करनी पड़ती है? नमस्कार, मैं काशी हूँ। मैं सुशील सुंदर और गुणवंती कन्या हूँ, और आप शिखाधारी लंगूर है। अब परिचय हो गया तो अब मैं काट लूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई परिचय वरिचय नहीं करना। मैं तो मात्र ये कहने आया था कि किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद में मैं था, अपने आई बाबा से भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम राजा बोझो, जो मैं तुम्हारी बात मानू, तुम हमारे हो कौन? कोई नहीं। मुझे लोगों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहो, शायद मैं तुम्हारी विनंती मान जाऊ। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे कृष्णा प्रसंग में बाधा पड़ गई थी, और उसके लिए मैं तुमसे क्षमा भी मांगता हूँ। पर अब समझने का प्रयास करो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, मराठी साम्राज्य के लिए कह रहा हूँ। इस रहस्य के रहस्य रहने में ही मराठियों की भलाई है। ठीक है, पर इस रहस्य का मोल देना पड़ेगा। कैसे? आओ बताती हूँ। तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। मैं भी जान पहचान चुकी हूँ, बड़े हैं उस कक्ष में जाने वाले। जब तक मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि तुम मुझे उस कक्ष में नहीं लेकर गए, तो मैं भी तुम्हारा रहस्य अपने पेट में नहीं रख सकती। शाहूकार की बेटी हो, इस आपकी बुरी पक्की हो। जब तक एक हाथ में कुछ ले नहीं लेती, दूसरे हाथ से कुछ देती नहीं। गुरुजनों की भी चरण छूती हो, तो जब तक वो सर पर हाथ नहीं रखते, झुकी रहती हो, चरण नहीं छूती। तुम तो बड़ी तेज हो। और क्या, तुम्हें मुझसे चुप रहने की सौगंध चाहिए ना, तो मुझे उस कक्ष में लेकर चलो। Thank you.
मैं ऊपर जाकर वो झरोखा खोलता हूँ और तुम मेरे पीछे पेड़ पर चढ़ो। मैं ये नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरा मार्ग ढूंढो। सबना नहीं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक तो मैं नियम तोड़कर तुम्हें उस कक्ष में ले जा रहा हूँ जहाँ पर जाके मैं पहले भी फंस चुका हूँ, और तुम नखरे दिखा रही हो। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं एक सुंदर सुशील और गुणवंती कन्या, तुम्हारे जैसे शिखाधारी लंगूर नहीं। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, समझ लो। इतनी बड़ी हो गई और पेड़ पर चढ़ना नहीं आता? व्यू तो तुमसे भी छोटी थी तभी से पेड़ पर चढ़ना सीख गई थी। तुम सब भाई बहन वानर सैनिक हो तो मैं क्या करूं? अच्छे घर की लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ती। वानर सैनिक किसे कहा? और अगर मेरी बहन पेड़ पर चढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छे घर की नहीं है? ऐसा मैंने कही थी, मेरी आई कहती है। अच्छे घरों की लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात के सारे नियम मेरे आई को पता है। अब आई तो गलत नहीं बोल सकती, बावड़। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पीठ पर तो चढ़ना आता है ना? मंजे? आगा ये चढ़। सर पर नहीं, कंधे पर। अरे काशी कहाँ गई? काशी, तुम कितनी भारी हो। होगा, उस दिन मार्ग पर पड़े अमरुद की तरह उठा लिया, और आज क्या हुआ? लौकर भाग वरना कोई आ जाएगा, चल जल्दी। झूठ बोला? तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो बताओ कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलौने? इतेज, इसी कमरे में। उठे। ये तलवार, ये दानपट्टा, ये कटियार, यही तो होते हैं वीरों के खिलौने। ये कैसे खिलौने हुए जो मात्र किसी से लड़ना सिखा सके? खिलौने तो मेरी गुड़िया जैसे होने चाहिए। कहाँ ये तलवार, कहाँ ये कटियार, और कहा मेरे गुणवंती गुड़िया। खिलौने तो वो होते जिसे देखते ही हृदय प्रसन्न हो जाए, जो मित्रता और प्रेम सिखाए। कर लो बावड़। तुम सोच रही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बचपन में गुड़ियों से खेलते होंगे? तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती है। खरच, एकदम मूर्ख। लड़कियां मूर्ख नहीं होती। होती है, और उनके खेल भी मूर्खों वाले ही होते हैं। हमारे खेल निर्माण सिखाते, लड़कों के खेलों की तरह तोड़फोड़ नहीं। यदि लड़के तोड़फोड़ वाले खेल नहीं खेलेंगे तो फिर बड़े होकर योद्धा एवं रक्षक कैसे बनेंगे? यदि लड़कियां निर्माण की खेल नहीं खेलेगी तो रक्षा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर करते रहना बैठकर अपनी शिखा की रक्षा, शिखाधारी लंगूर। शेंडी वाला वॉकर। गब्बस। तू गब्बस। गुड्डे गुड़ियों से खेलने से स्वराज नहीं होता। यदि तारा रानी साहब भी बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होती तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य चला पाती? संसार में सबसे मुश्किल गृहस्थी चलाना होता है। जिसने गृहस्थी चला ली वो राज्य से लेकर बैलगाड़ी तक सब कुछ चला सकती है। पर ये बात तुम जैसे लड़के नहीं समझेंगे जिन्हें मात्र लड़ना आता है। लड़ाई तुमने शुरू की थी, अब यहाँ पर बैठ के लड़ती रहो। मैं चल लो। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, तुम्हें ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं ही ढूंढ लो।